3, 2, 1 भाई साहब टेनर प्यार भाई प्यार भाई प्यार मेरे जैसे क्यूट है ना कितना बहुत क्यूट है यार लेकिन बहुत छोटा हो गया बैक हेलो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइज आप सारे लोग बढ़िया होंगे, एकदम तड़कता भड़कता मजा उठा रहे होंगे। भाई वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है गाइज, तो लोग कपल्स लोग हैं जो लोग रिलेशनशिप में उनके तो मजे ही है भाई। हाँ भाई, अरे भाई, अरे भाई पीछे ट्रक है भाई, हमको लेफ्ट जाना है, चल चल भाई। हाँ तो आज है रोज डे, तो आज ना मैं सबसे पहले जाकर के एक रोज लेने वाला हूँ, और रोज ले जाकर के पता है किसको देने वाला हूँ, सुप्रिया को और किसको, बट मैं ना रेड रोज नहीं दूंगा, मैं उसको येलो रोज दूंगा। अगर रेड रोज दे दिया ना तो मतलब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से एक येलो रोज परचेस करते हैं। दीदी एक रोज देना ना, ये येलो येलो कलर का जो होता वो नहीं है, येलो खत्म हो गया, ये पिंक। यहाँ पे मैंने रोज ले लिया, ये देखो भाई थोड़ा सा सजा वजा भी लिया इस चीज से। भाई रोज का दाम भी बढ़ गया यार, कहाँ 5-10 रुपया करके रोज मिलते थे यार, पूरे 40 रुपीज लग गए मेरे रोज में। सुप्रिया को कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं उसको ना रोज देने वाला हूँ, तो उसका रिएक्शन ना बिल्कुल नेचुरल रियल वाला होने वाला है। एंड मैंने भी कभी सोचा नहीं था यार कि मैं सुप्रिया को रोज दूंगा, बट भाई आज रोज डे है, तो सुबह से ना यार इंस्टाग्राम पे बस मैं देख रहा हूँ हैप्पी रोज डे हैप्पी रोज डे हैप्पी रोज डे। व्हाट्सएप पे भी भाई जितने भी स्टेटस चेक कर रहा हूँ ना, पूरा रोज रोज से भरा हुआ है, तो मेरा भी ना अंदर से थोड़ा आ गया कि चलो यार थोड़ा सा एक रोज दे ही देता हूँ। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात कि अभी ना सुप्रिया को लेकर के मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक वैक्सीनेशन अभी भी बाकी है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना हॉस्पिटल में आकर के पहुंच चुके हैं, और इसको भी लेकर के आया, इसका डोज देना कंप्लीट हो गया है, बट इसको ना बहुत ज्यादा आज डांट पड़ा क्योंकि डेट मिस हो गया था, तो इसको सारे वैक्सीनेशन नहीं गाइस, मेरे को प्यार से बात कर रही थी हॉस्पिटल, और ये मेरा नाम लगा दी कि मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन था, मैं लेके चला गया था, पूरा 2 दिन लेट हुआ ये मेरा भी, घूमने गया था दोस्तों के साथ। थोड़ा सा तुम्हारा भी तो गलती है, तुमको भी तो आ जाना चाहिए था बिना प्रिस्क्रिप्शन का, आके बोलना चाहिए था, बोला नहीं जाओगी तो क्या। जो भी हो, अभी इसको फिर से 3 डोज पड़ा है वैक्सीन का, ठीक है, फिर से 4 दिन बाद का फिर से डेट आया, तो फिर से ये आएगा 3 दिन बाद का, फिर उस समय कितने पड़ेंगे, 2 या 4, 3 पड़ेगा, उस समय भी 3 पड़ेगा, तो फिर उसके बाद आना पड़ेगा, फिर से 6 इंजेक्शन लगेगा। अभी ना मैं बैग में इसके लिए कुछ लेकर के आया, इसको दिखाया नहीं हूँ, ठीक है, ये वाला जा करके कहीं पे दिखा, ये देखो कैसे देख रही है, देखो आंख वाक टेढ़ा करके, अभी नहीं बहुत चला के ये, ठीक है, तो चलो अब इधर से चलते फटाफट से, ठीक है ना, चल ना वहाँ के आई हो, नहीं ना के आई है, नहीं ना के बाल देख रही है। मैं गाइस नहा के ही आता हूँ हमेशा, घर जब भी घर से निकलता हूँ पूरा रेडी सेडी होकर के ही निकलता हूँ, पूरा हैंडसम बॉय बन के। ए देखो, अरे मत तोड़ना प्लीज मत तोड़ना, अरे ये सब काम का है, चलो इधर से काम कर रही हूँ, खाने का है, खाने का तो तुम्हारे खाने का थोड़ी है, वो किसी का होगा बेचारे का। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने प्राइमरी लोकेशन पे आकर के पहुंच चुके हैं, ये हमारा प्राइमरी लोकेशन हो गया शूट वगैरह करने के लिए, है ना, क्या हो गया, ज्यादा जोर से इंजेक्शन लग गया क्या, पूरा शांत हो गई है बेचारी, ठीक हो ना, क्योंकि मुझे गंदा लग रही है, मेरे चेहरे देखो, ये मार्क्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, गंदा लगती है। अरे इतना तो क्यूट लग रही हो, देखो क्यूट गर्ल ऑलवेज क्यूट ही लगती क्या, है क्या क्या लेके आया मेरे लिए, वो तो मेरा बैग में है। आज बोल, आज क्या डे है बताओ, आज कौन सा डे है बताओ, पता नहीं मुझे क्या नाटक कर रही है, इसको सब पता, शकल देख रहे हो, ये जो इतना शकल में भोला वाली लग रही है ना, इतना भोला वाला है नहीं, हाँ इसको सब कुछ पता है, पता है कि नहीं पता, अरे नहीं यार नहीं पता, ज्यादा बदमाशी मत करो मेरे सामने, तुम नहीं पता है, तुम नहीं पता है, आज है रोज डे, वैलेंटाइन वीक आ गया ना, तो आज रोज डे, आज ही तो रोज डे है, और कब होगा, रोज ही लेके आई हो, नहीं नहीं मैं तुमको रोज कैसे दे सकता हूँ यार, मेरा तो खत्म हो जाऊंगा मैं एक रोज देने का चक्कर में, मैं तो चॉकलेट लेके आया, मैं तुमको देता हूँ ना, अभी तुमको ही देने के लिए लाया हो यार, इतना क्यों एक्साइटेड हो जाती हो, अभी देता हूँ तुमको, ठीक है, क्या कर रही हो, क्यूट लग रही हो, गंदा लग रही हो, कितना क्यूट तो लग रही हो, नहा के नहीं आओगी तो ऐसा ही लगोगी ना, अबे चल नहा के आई हूं, पक्का बोलो, हाँ पक्का, तब ठीक है, ओके चलो तुमको देता हूँ, ठीक है, हाँ दो, मेरे को ना बहुत ज्यादा शर्म आ रही है इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ये पागल है, मुझे पागल बना रहा है, अरे मैं कभी ऐसे नहीं किया हूँ ना, इसीलिए मेरे को शर्म आ रही है, मैं घर गिफ्ट कर दो, मेरे को ना ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, चलो मैं दे देता हूँ, इतना ज्यादा डरने से नहीं होगा, नहीं नहीं आँख मत बंद करो, ऐसे ही दे देता हूँ वरना मेरे को और ज्यादा शर्म आएगा, चलो 3, 2, 1 तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तुम बोला, तो ये रेड रोज थोड़ी है, ये तो पिंक रोज है, मैं ना येलो रोज तुम्हारे लिए खोजने के लिए गया था, बट येलो रोज मिला नहीं, येलो रोज फ्रेंड को देते हैं, ठीक है, रेड रोज गर्लफ्रेंड को देते हैं, तो मैं पिंक दिया,
पिंक मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड होता है ना जो, हाँ। उसको पिंक रोज देते हैं। मैं तो ऐसे सोचा ही नहीं था कि इसको रोज दूंगा, बट इतना ज्यादा देखा व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे सब जगह सब रोज डे कर रहा है, मैं सोचा चलो रोज दे देता हूँ। और तुमको पता है क्या, पिंक रोज का जानती हो ज्यादा दाम है, रेड रोज का तो बहुत कम दाम है। रेड रोज मेरे को 20 का दे रहा था, ये मेरे को 40 का पड़ा। सजा किया प्यारा सा। आज ये इंजेक्शन लिया ना तो इसका थोड़ा सा वो तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा है ना, थोड़ा इसको भूख भूख भी लगा है, तो इसको सबसे पहले ना घर ड्रॉप कर देते हैं। तो गाइज अभी मैं सुप्रिया को छोड़ करके सीधे जा रहा हूँ भाई सुपर बाइक के पास में, क्योंकि सुपर बाइक लेकर के विक्की गया उसको थोड़ा सा वॉश वगैरह कराने के लिए। मैं अभी विक्की को फोन किया था तो विक्की बोला भाई यहीं पे वो बगल में ही है, तो मैं सोचा चलो यार उससे भी मिल लेता हूँ। तो एक बार ये वाली चेक करो यार, ये वाली ना पूरी लूज हो करके रखी है फिर से, और इसको देखो भाई साहब गुटका बोलो जुबा केसरी। तो गाइज यहाँ पे देखो माइटी कावासाकी Z800 भाई, यहाँ पे एकदम वॉश वॉश करा करके पूरा चमका करके रखा है। बेसिकली ये यहाँ पे चेन लूप कराने आया था, तो चेन देखो भाई कितनी चमक गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है भाई। थोड़ा सा हाईवे पे लेकर के गया था बाइक को। ओह अच्छा ये चेक करो गाइज क्या है भाई साहब, टेनर प्यार भाई प्यार भाई प्यार। ये देखो गाइज बिल्कुल ब्रांड न्यू है गाइज, ये इसी प्रोजेक्ट की फुल सिस्टम वाली एग्जॉस्ट लगी हुई है भाई, और यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर्स भी लगे हुए एकदम तगड़े वाले। तो भाई क्या ही लुक लग रही है भाई, मस्त लग रहा भाई, इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा भाई, मस्त लग रहा है। यहाँ पे ना ये वाली चीज लगी हुई है हैंड गार्ड, और इसमें ना नहीं लगी हुई है, एक तरफ ही लगी हुई है, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है। के अंदर भाई एक छोटा सा डॉगी है भाई, पुद्दू सा डॉगी है, ये देखो बाहर निकल करके आ गया। हेलो मेरे जैसे क्यूट है ना, कितना बहुत क्यूट है यार, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। मैंने लड़की डॉग को तुम्हें गिफ्ट कर दिया। इसको नहीं तो? मेरा जान है। अच्छा अभी जान हो गया ना, देख कैसे रहा है, कितना क्यूट है यार, मतलब एक लड़की डॉग है उसको मैं तुमको गिफ्ट। ठीक है कर देना। मेरे को ऐसा बैग भी देना पड़ेगा, मेरे को बैग दोगी तभी लूंगा, बिना बैग का नहीं लूंगा। ये रख लो। हाँ। मेरे कंधे पे कैसा लग रहा है, कैमरा पकड़ना कैसा लग रहा है, पीछे का ना नहीं होगा, छोटा है, बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन बहुत छोटा हो गया बैग, छोटा हो गया बाइक में बैठो। हाँ अब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे ऊपर ज्यादा क्यूट लगता है ये बैग, छोटा है ना, मैं बड़ा बैग लूंगा, ठीक है, छोटा बैग से मेरा नहीं होगा, मेरे को बड़ा बैग चाहिए। बड़ा बैग चाहिए, इसको बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से, बड़ा भी कर सकते हैं, तब तो यही बैग चाहिए मेरे को। नहीं हेलो यार मेरे को ये चाहिए, नहीं दूंगी। अभी सुप्रिया देखे कितना क्यूट डॉग लेकर के आई है, तो थोड़ा सा इसके साथ निकल रहे है। मेरे को भी चाहिए यार, मेरे को भी ऐसा ही क्यूट सा बैग चाहिए, क्यूट सा डॉगी चाहिए यार, प्लीज मेरे को गिफ्ट कर दो ना यार, प्लीज कर दो। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पहली बार कोई काम का चीज खरीदी हो। डॉगी को लेके ज्यादा स्पीड में मत चलाना वरना डॉगी डर जाएगा, आराम आराम से ही चलाना इसको भाई, घर में रहने का मन ही नहीं करता है। मेरे को लगा कि इसको इंजेक्शन लगा है तो मस्त घर में सोएगी, बट ये फिर से बाहर निकल गई। चलो सुप्रिया आराम से जाना, ठीक है, चलो टाटा बाय 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 बाय, आराम से चलाना, बाय बाय। तो गाइस ये उधर चली गई, मेरे को अभी इधर पे जाना है भाई, रात का जानते हो कितना बज रहा है, 5:35 हो गया, पूरा सन ना डाउन हो गया। लौटते भागते ना मेरे को घर पे आना पड़ गया यार, क्योंकि बहुत ही जरूरी काम था। जरूरी काम क्या था बताओ, ये देखो भाई अपना सिल्वर प्ले बटन आ गया यूट्यूब के तरफ से, तो यही वाला कुरियर आया हुआ था भाई अपने घर पे, तो बंदा भाई अपने को 2 बजे से कॉल कर रहा था, बट मैं तो बाहर शूट करने में बिजी था इसलिए नहीं आ पा रहा था। किसी तरीके से भाई मैंने 6 बजे तक टाला, तो अभी 6 बजने ही वाले थे भाई, वरना अगर आज मैं ये नहीं लेता ना तो ये फिर 2 दिन बाद मेरे को मिलता, इसलिए मैं दौड़ते भागते घर आकर के भाई इसको रिसीव कर लिया। बहुत ही मन आ गया है भाई मेरे को डॉगी लेने का, ऐसे भी बहुत पहले से मैं सोच रहा हूँ डॉगी लूंगा करके। एक्चुअली ना ये स्ट्रीट एरिया है तो यहाँ पे ना घर में डॉगी वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम हो गया। उसके ऊपर से मैं घर में हमेशा रहता नहीं हूँ, और मैं घर में नहीं रहूँगा तो उसका देखभाल कौन करेगा, उसका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। अगर जो मैं उसका केयर नहीं करूँगा उसका तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा, और उसको मैं अपने साथ हमेशा राइड पे लेकर के नहीं जा सकता हूँ, डेली बाहर लेकर के नहीं जा सकता हूँ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है यार डॉगी के साथ में। बट मेरे को डॉगी देख करके यार दिल खुश हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, जो ब्लॉग पसंद आएगा जरूर से लाइक करना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में इसके अनबॉक्सिंग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राइट सेफ राइट एंड एंजॉय डे, बाय बाय।